सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं ब्रूस खलीफा के पास। तो गाइस 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 फाइनली हम आ चुके हैं ब्रूस खलीफा के पास। देखिए ये है बीमार और ये रही गाइस ब्रूस खलीफा। सेफू भाई कहते हैं कि टावर है ना, कोई बात नहीं, अपने भाषा में ऐसे बिल्डिंग ही कहते हैं। जहाँ जाना है वहाँ तो चले। वहाँ पर क्या आपा? वहाँ से व्यू अच्छा है। वहाँ से व्यू अच्छा है। चलिए गाइस अभी हम देखेंगे फाउंटेन, वर्ल्ड ब्यूटीफुल फाउंटेन है ये, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा मस्त दिखने वाला फाउंटेन है ये ब्रूस खलीफा के पास। बहुत ही मस्त यहाँ का फाउंटेन है। और सेफू भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, फर्स्ट टाइम का स्नैप रखो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। माशाल्लाह बहुत अच्छा अच्छा लगा आपको? बस एबू भाई को भी अच्छा लगा। अभी हम जस्सी भाई से उनका फीलिंग पूछेंगे कि आपको किस तरीके की फीलिंग है फर्स्ट टाइम आने के बाद, आपका एक्सपीरियंस बताओ। आपकी नज़रों ने जब पहली बार ब्रूस खलीफा देखी तो आपको कैसी लगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा नज़ारा है। इसको दुबई में आया और इसको नहीं देखा ना तो कुछ नहीं देखा। हाँ, दुबई का दिल है। और अभी आप फाउंटेन तो देखोगे ना, जैसे गुजरात में होता कच्छ नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा। यहाँ पे दुबई में ऐसा तो ब्रूस खलीफा नहीं देखा था। अब अहमदाबाद हो गया, एक बात आप बोल रहे हो, मेट्रो सिटी अहमदाबाद है और अभी तो बुलेट ट्रेन भी आने वाली है, तो भूलना मत। इंडिया भी अभी अहमदाबाद बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो रहा है। गाइस ये है ब्रूस खलीफा, आप यहाँ पर आओ दुबई और यहाँ पर देख ग्राउंड के फोटो में ब्रूस खलीफा ना हो तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे कि आप दुबई आ कर गए हो। कोई बात नहीं, बहुत लोग अब तो आते जाते रहते हैं। अभी फाउंटेन का सब इंतज़ार करते हैं, वो चालू होगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अपना उस साइड। फाइनली अभी हमारी फ़ोटोशूट चालू हो चुकी है। देखिए सबसे पहले सेफू के फ़ोटो पाड़ने में आ रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद जस्सी भाई पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका भाई फ़ोटो क्लिक कराएगा। और ये फाउंटेन चालू हो तो आपको मैं बताऊँ नज़ारा इसका बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। जैसा कि आप सबको तो पता ही होगा कि दुबई एक टूरिस्ट देश है और गाइस यहाँ पर भी कोई भी चीज़ जब नहीं बनती है ना तो उसको दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ बनाते हैं, बिकॉज दुनिया के सारे टूरिस्ट यहाँ पर आके विजिट कर सके। सबसे बेस्ट से बेस्ट देते हैं, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन ही चीज़ बनाते हैं दुबई वाले। क्या करें, रुपया है इतना है हबीबी, कम टू दुबई कहते हैं। तो उसी तरीके का ही, जैसे कि ये बिल्डिंग बनाई इन्होंने, सब अच्छी चीज़ है वर्ल्ड जगह। और ये अभी बंद था फाउंटेन, सारा की सारा बंद हो चुका है, बिकॉज हमको यहाँ पर आते आते 12 बज चुके, तो 12 बजे फाउंटेन बंद हो जाते हैं और दुबई की जो बिल्डिंग्स की लाइट है वो सारी भी बंद हो गई है। मैंने सोचा कि हम अंदर जाए, लेकिन अंदर जाकर कोई मतलब नहीं गाइस, इंशाल्लाह अंदर ही स्टे करेंगे एक दिन तो हम आपको विजिट कराएंगे फोटोज़। लेकिन अभी अंदर जाके कोई मतलब नहीं गाइस, अभी बाहर से ही आपको दिखा देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में कभी भी आए तो वन डे आपके लिए अंदर स्टे करेंगे और पूरी ब्रूज खलीफा आपको विजिट कराएंगे अंदर से इंशाल्लाह ताला। चले गाइस अभी दुबई मॉल अभी हमने देख लिया, ब्रूज खलीफा भी देख ली, अभी हम वापस से जा रहे हैं हमारे दोस्तों के पास। दुबई मॉल से ही हम अंदर जाकर एग्जिट करेंगे तो फिर बाहर हम टैक्सी लेंगे। टैक्सी लेने के बाद यहाँ पर कुछ हमारे यार है उनके पास हम जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और आज इंशाल्लाह उन्हीं के साथ हम डिनर करना पसंद करेंगे। अभी हम बाहर चलते हैं। भैया अभी गाइस हम चलेंगे बाहर, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हमारे दोस्तों भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं तो हम वहीं पर उन्हीं के साथ हम डिनर करना पसंद करेंगे। और अभी यहाँ पर हम तुर्की स्वीट्स देखने आए हैं, माशाल्लाह बहुत ही यूनिक टाइप की यहाँ पर स्वीट्स है। अरेबिक कॉफी, अरेबिक कॉफी, ओके।
ये देखिए माशाल्लाह वेलकम मेनू काफ़ी बेहतर। ये देखिए ये पूरे बुके बनाए हुए चॉकलेट्स के, दुबई दुबई है सच में कह रही है, स्वीट्स का खजाना दुबई मॉल के अंदर। Which one is the best? This? कौन सा ये कौन सा? No, not muffin. What's the name? Baklava. We have all baklava style. We have like baklava. If you want, we can make mix for your family. Okay. The four. अगर गाइस आपको कुछ यहाँ पे से चाहिए तो वो लोग फुल इसमें फुल मिक्स करके ये सब दे देंगे आपको। और यहाँ की स्वीट्स इज द बेस्ट, दिस इज द दुबई मॉल स्वीट्स। दुबई मॉल में तो वर्ल्ड की बेस्ट स्वीट होगी ना यार ये। ओके सो अल्हम्दुलिल्लाह डेट्स लेट्स चेक लव मिक्स गाइस। अभी हमने मिठाई का रेट पूछा, ये भैया के हाथ में ना ये छोटा सा बॉक्स और 250 ग्राम का ही ये बॉक्स, ये आपको तकरीबन 3.6 ये 200 दिरहम में अपने इंडिया के हुए 6 से 7 हज़ार रुपये। देखिए 250 ग्राम की मिठाई 6 से 7 हज़ार, कहते हैं वाह पैसा है तो सब कुछ है भैया। दो दो हाथ में मिठाई है, सेबू ने मिठाई का बॉक्स लिया 6,000 रुपए का, इतना सी बॉक्स और वो हम रात को खत्म कर देंगे, वो हम रात को खत्म कर देंगे। और अभी हम ये खा रहे हैं मिठाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच ब्रदर। अभी पहनाने का कह रहे हैं अरबाब, तो अभी आपका भाई थोड़ा अरबाब पहनने का, मुझे बहुत अरबाब पहनने का शौक तो है ही, आप सबको पता होगा, अभी पहन रहा हूँ। अल्लाह हबीबी हबीबी एंड व्हाट द शेख वन नो दिस वन दिस ओके नो प्रॉब्लम दिस वन ओके ऐसा लग रहा है, सही लग रहा है। गाइस हमने बहुत ज्यादा मस्ती का बीच उतार लिया, घर में बहुत ही ज्यादा लग रही है ना भाई, बहुत ज्यादा मजा है, बहुत ज्यादा हमने एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओरिजिनल अरेबिक हनी ये अभी टेस्ट करा रहे हैं हमको, इसके बाद हम देखते हैं। सिर्फ टेस्ट करो पहले आप, फिर आप टेस्ट करो, क्या यस टेस्ट करो टेस्ट यू से कैम शो यू से कैम शो कैम शो या व्हाट्स मीन कैम शो से हाउ आर यू हां हाउ आर यू कैम शो कैम शो यस प्लीज से and try what try karo ko taste karo try karo taste karo whatever the sam yalla okay laiye my brother humko bhi taste kara dijiye aap achak to kari atachu a gujarati language achako ane chako yes ane chako aiva one sir, we have big, small. What size you? Small. Yeah, this one 3/4. This one in the morning, you just still no eat anything. Just take one spoon like this. You guys, this is maybe I've been a try it here. Why? अच्छा लग रहा है bro, yeah. I would try. ये देखिए मिठाई का बिल आ चुका है, कितना दीजिए मिठाई का 231 यानी कि अपने इंडिया को 8,000 रुपए। देखिए 8,000 आई है, कितना रुपए मैसेज आया बताओ सेफ भाई। ये देखिए 5,255 रुपए की मिठाई आ चुकी है यहाँ पर,
रईस हो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। अरे भी कॉफी या कॉफी हाँ मुझे भी निकाल देना। ये क्या है? ये ग्रीन टी है, कॉफी अपने को पिलाई थी ना, निकालना सही से है। सेफ अच्छे से निकालेगा। ये सेफ को काम पे रख लेना होगा। मिठाई की अभी हम जाएंगे अपने दोस्तों के पास। कब से जाना जाना करना है लेकिन हो नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं हम घुस जा रहे हैं। दुबई मॉल से बाहर ही नहीं आ पा रहे। हम कब से ट्राई कर रहे हैं अपने दोस्तों के पास हम चले जाए लेकिन दुबई मॉल से हम बाहर ही नहीं आ पाए। बहुत ज्यादा बड़ा मॉल है ना। चलिए अभी हम चलेंगे हमारे दोस्तों के पास। फाइनली हम दुबई मॉल से बाहर आ चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितना क्लीन है ये पार्किंग, कितना माशाल्लाह क्लीन है भाई मॉल का। चलिए भैया से पूछते हैं कि जाएंगे कि नहीं। सो अभी हम जा रहे हैं हमारे दोस्तों के पास जो कि यूएई में ऑलरेडी रहते ही है पहले से। देखिए गाइस हमने सबसे पहले हम लेंगे मर्सिडीज जी क्लास, उसके बाद हम लेंगे इंशाल्लाह जीएनसी। गाड़ी का तो बहुत शौक है आपके भाई को। तो फाइनली गाइस अभी हम सो रहे हैं। मैंने डिनर का शूट इसीलिए नहीं कर पाया बिकॉज ऑलरेडी हम बहुत ही थक चुके हैं और यसीम भाई तो ऑलरेडी सो गए हैं। हम कार लेकर आए होटल में और अभी आपका भाई भी सो ही जाएगा जस्ट बस दो मिनट में। ऑलरेडी यसीम भाई और शेफू भाई दोनों सो गए थे, आपका भाई बाहर राउंड मरने गया तो अभी हम भी सो रहे हैं। तो गाइस आप बताओ आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। गाइस सॉरी कि मैं डिनर का ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट डे हम घूमेंगे फिरेंगे तो सारा ब्लॉग शूट करेंगे। अभी सुबह भी हो चुकी है, बहुत लेट हो चुका, हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही बाहर घूमे। तो अभी आपका भाई भी सोएगा। तो गाइस अभी तक आपने आपके भाई को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ये ब्लॉग को शेयर ज़रूर 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 करना गाइस। ये अल जैद रोड के साथ आपके भाई की भी अभी नाइट हो रही है तो हम भी आपको गुड बाय करेंगे। तो प्लीज़ आपके भाई के साथ प्यार बनाए रखना, बस आप ऐसे ही प्यार करते रहो, आपका भाई सिर्फ आपके लिए ब्लॉग बनाता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ।